नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल SB मेडिसिन में। आज अपन बात करने वाले हैं डाइटोर 5mg टेबलेट के बारे में। डाइटोर 5mg टेबलेट को सिप्ला कंपनी बनाती है, जिसकी जो प्राइस है वो है 59.29 रूपए पर स्ट्रिप। ये 15 टेबलेट की स्ट्रिप होती है, जिसमें जो कंटेंट डाला गया है वो है टोर्सीमाइड 5mg। इसका यूज आप स्पेशली डॉक्टर की सलाह से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये टेबलेट आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। डाइटोर 5mg टेबलेट एक डाइयूरेटिक ग्रुप की दवा है, जिसे वाटर पिल्स के नाम से भी जाना जाता है। इस टेबलेट का यूज एडिमा यानी सूजन को कम करने और हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के इलाज में यूज किया जाता है। साथ ही कई बार डॉक्टर्स किडनी खराब या किडनी फेल होने और प्रेगनेंसी के दौरान सूजन आने जैसी कंडीशंस के इलाज में भी ये टेबलेट आपको यूज करने की एडवाइस दे सकते हैं। और भी आपको फेफड़ों की कोई समस्या हो गई है, हार्ट फेल्योर वाली कंडीशंस हैं और आपको एल्डोस्टेरोन या फिर पोटेशियम के इम्बेलेंस लेवल की समस्या है, तब भी ऐसे में डॉक्टर्स ये टेबलेट आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एडिमा में क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो एक्सटर्नल यानी बाहरी जो साइज है वो बढ़ने लग जाता है, जिस कारण आपके चेहरे पर हाथ पैर और टखनों में सूजन आ जाते हैं, उनमें फ्लूइड बढ़ जाता है। तब ऐसे में ये टेबलेट आपके शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड, एक्स्ट्रा साल्ट और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। इस टेबलेट के यूज से आपकी बॉडी में यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे आपको अगर सांस की कमी की समस्या है, हाथ पैरों में और पेट में सूजन जैसी समस्या है, तो ऐसे में आपको राहत मिल जाती है। अगर आपकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड निकल जाता है तो होता क्या है, उससे आपकी सूजन कम हो जाती है और अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है तो आपको भविष्य में हार्ट अटैक और स्ट्रोक या फिर एंजाइना का खतरा नहीं रहता है। बात कर लेते हैं इस टेबलेट के सावधानियों के बारे में। तो ऐसी अगर आपको समस्या है और ऐसी समस्या में अगर जब आप इस टेबलेट का यूज कर रहे हो, तब आपको स्मोकिंग और एल्कोहल का यूज नहीं करना है, आपको नमक का यूज कम करना है, तनाव यानी स्ट्रेस वगैरह नहीं रखना है और आपको लीवर डिसीज है या फिर आप प्रेग्नेंट लेडी या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तब ऐसी सभी कंडीशंस में इस टेबलेट का यूज करने से पहले आप डॉक्टर्स को अपनी कंडीशंस के बारे में जरूर बताएंगे। डोज की अगर बात करें तो नॉर्मली में इसका जो डोज है वो है एक टेबलेट दिन में एक बार, और इसके यूज के समय आपको बहुत ज्यादा पेशाब आता है, तो ध्यान रखें कि इसे आप दिन के टाइम यूज करें तो ठीक रहेगा, नहीं तो आप रात में मतलब बार बार यूरिन जाने मतलब यूरिन डिस्चार्जिंग के लिए जाके परेशान हो जाओगे, या फिर जैसे आपके डॉक्टर ने बताएं वैसे भी आप इसका यूज कर सकते हो। बात कर लेते हैं इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो है डिहाइड्रेशन होना, मतलब डिहाइड्रेशन होना इसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है। और भी आपको कब्ज होना, ब्लड प्रेशर घट सकता है आपका, पेट खराब हो सकता है और आपको चक्कर आ सकते हैं। वैसे साइड इफेक्ट कुछ टाइम लेते हैं, कुछ टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको इनके अलावा कोई भी अदर कंडीशंस क्रिएट होती हैं या फिर यही साइड इफेक्ट लंबे टाइम तक बने रहते हैं, तब ऐसे में आप इसका यूज बंद करके तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।